नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बार विपक्ष जबरदस्त तरीके से मजबूत है और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पूरे देश के लिए संदेश है कि कैसे हमारे खिलाफ साजिश रची गई। जमानत पर रिहा होने के बाद में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है। ईडी को झटका देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने यहां पर हेमंत सोरेन को नियमित जमानत दे दी है, यानी कि ईडी के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ में फिलहाल के लिए कोई भी पुख्ता सबूत यहां पर नहीं है, इससे यहां पर ये साबित हो सके कि वे दोषी हैं, इसलिए यहां पर उनको जमानत दे दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। देख सकते हैं कि ईडी के पास में कोई भी ठोस सबूत नहीं था, फिर भी हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा गया है। इतना ही नहीं, पूरे मामले पर लोग भड़क गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी है कि हेमंत सोरेन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हेमंत सोरेन पिछले 5 महीनों से जेल में बंद थे, अब क्या जिन अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया था उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो उन्होंने इन 5 महीनों में मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये यहाँ पर लोगों का गुस्सा जबरदस्त तरीके से फूट रहा है दोस्तों भाजपा पर। इतना ही नहीं, ऐसा ही मामला केजरीवाल का भी था दोस्तों, जिसमें जज ने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल के खिलाफ में कोई भी सबूत फिलहाल के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी नीट घोटाले के बारे में संसद में बोल रहे थे कि उनका माइक ही बंद कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी अब भड़क गई है। पवन खेड़ा बोले, जब इतना खर्च करके नया संसद बना रहे थे तो कम से कम स्पीकर तो ठीक क्वालिटी का यहाँ पर लगाते। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से पवन खेड़ा ने तंज कसा है दोस्तों। जानकारी के लिए बताते चले, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से आते हैं, कोटा में शक्तिशाली कोचिंग संस्थान है। नीट घोटाले पर चर्चा नहीं होने दी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका और उनका माइक म्यूट कर दिया। नीट पर चर्चा से बचने के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई। अंदाजा लगाओ कि यहाँ क्या गड़बड़ है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरी तरह से बीजेपी सरकार जुट गई है कि किसी भी कीमत पर नीट मामले पर चर्चा नहीं होने देनी है संसद के अंदर। इसी पूरे मामले पर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है दोस्तों। इतना ही नहीं, आप लोगों को एक और बड़ी खबर बताते चलें, संजय राउत का यहां पर राहुल गांधी को लेकर के बड़ा बयान सामने निकल के आया है। राहुल गांधी अगर इंडिया गठबंधन में पीएम पद का चेहरा होते तो सीटें और भी बढ़ जाती और इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता। ये यहां पर संजय राउत का कहना है, उनका मानना है कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषित कर देना चाहिए था, तो यहां पर ये जो यहां पर 30-35 सीटें कम है ये भी पूरी हो जाती। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, यूपी बीजेपी में खेल शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट के बादल क्या यहां पर मंडराने लगे हैं? आप लोगों को बताते चलें, यूपी में बीजेपी काट सकती है अपने 100 विधायकों के टिकट, प्रदेश नेतृत्व को सौंपी गई है समीक्षा की रिपोर्ट। विधानसभा के चुनाव में कट सकता है कई विधायकों का टिकट, क्योंकि यहां पर जो समीक्षा रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि विधायकों को लेकर के और बीजेपी को लेकर के जनता के बीच में जबरदस्त तरीके का गुस्सा है जमीनी स्तर पर। यानी कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी की करारी हार यूपी के अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों, और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, यूपी में खेल शुरू हो गया है। अनुप्रिया पटेल ने योगी के खिलाफ यहां पर बगावत का बिगुल बजा दिया है। योगी जी की कुर्सी का पाया हिल रहा है, कभी भी कुर्सी टूटकर सत्ता से बेदखल हो सकते हैं।
आप लोगों को बताते चले, संजय निषाद प्लस आशीष पटेल प्लस ओपी राजभर और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मिलकर के अंदर ही अंदर यहां पर एक बड़ा खेला करने की तैयारी कर रहे हैं। लगता है कि केजरीवाल की बात यहां पर सच होने जा रही है और बाबा जी की कुर्सी से विदाई का नंबर आ गया है क्या? क्योंकि आप लोगों को बताते चले दोस्तों, खबर ही कुछ ऐसे सामने निकल के आ रही है, अपने ही सहयोगियों के निशाने पर योगी सरकार यूपी में नियुक्तियों पर अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाए हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और बेनकाब कर दिया है। लोकसभा के चुनाव में मिली करारी हार से अभी बीजेपी उबर नहीं पाई है, उसके सहयोगी दल भी आंखें दिखाने लगे हैं। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर के ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर के सवाल उठाया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पत्र में साक्षात्कार के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाता है और यहां पर ये सीटें जनरल में डाल दी जाती हैं, जिसको लेकर के अब अनुप्रिया पटेल देख सकते हैं कि योगी सरकार पर भड़की हैं। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, यानी कि बगावत का बिगुल बजता हुआ नजर आ रहा है। कई नेता यहां पर अंदर ही अंदर बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ में, योगी के खिलाफ में। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप, सभापति ने विपक्ष से सौतेला व्यवहार किया है, अपमानित करने के लिए मुझे नजरअंदाज किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है, कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि वह उच्च सदन में यहां पर नीट का विषय उठाना चाहते थे, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें अपमानित करने के लिए जानबूझ करके नजरअंदाज किया है। खड़गे ने यह भी दावा किया है कि विपक्ष के प्रति सभापति का व्यवहार सौतेला था। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, कहीं पर भी जनता की आवाज को उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है स्पीकरों की तरफ से। देख सकते हैं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद किया और यहाँ पर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे का माइक बंद किया, उनको बोलने तक नहीं दिया गया। इस तरीके की तानाशाही देखने को मिल रही है दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों की क्या कुछ राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, यूपी तक नीट पेपर लीक के तार यहां पर राज भर के लिए मुसीबत बने हैं बेदीराम, योगी के बाद सहा ने भी तलब कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में यूपी में मिली करारी हार के बाद बीजेपी जहां अभी हार के कारणों की ठीक से समीक्षा भी नहीं कर पाई है, इस बीच उसकी राह में नए नए कांटे बिछते जा रहे हैं। नीट परीक्षा में पर्चा लीक और बड़े पैमाने पर हुई धांधली सामने आने के बाद इसकी छींटे अब सूबे की राजनीति पर भी पड़ती हुई नजर आ रही हैं और उसके घटक दल जो कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं और योगी आदित्यनाथ के बाद में अमित शाह ने भी उनको दिल्ली तलब किया है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुँचाए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।